और देखिए, इस बीच रायपुर से आ रही एक बड़ी खबर बता दी। यहाँ पर ईडी दफ्तर का घेराव करने के लिए कांग्रेस के तमाम नेता प्रदर्शन करते हुए पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी इसमें शामिल हुए। बता दें कि केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए ये प्रदर्शन किया जा रहा था। कांग्रेस नेताओं ने ईडी को चेतावनी भी दी। वहीं पूर्व सीएम भी इस प्रदर्शन में मौजूद रहे और साथ ही पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। और देखिए, इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि मोदी सरकार अब एनडीए की बैसाखियों पर चल रही है। पिछले 8 महीनों में मोदी सरकार 4 बार यूटर्न ले चुकी है और मोदी सरकार कमजोर हो चुकी है। साथ ही साथ भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि चिराग पासवान के कुछ बोलने से भी सरकार डर जा रही है। तो इस तरीके से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल नजर आए। और बीते दिनों जिस तरीके से चिराग पासवान मुखर होकर के कई मुद्दों पर बोल रहे थे और एनडीए में इसको लेकर के कहीं ना कहीं असहज स्थिति जो उत्पन्न हो रही थी उसको भी आधार बनाते हुए भूपेश बघेल ने यह कहा कि अगर चिराग पासवान भी कुछ बोल देते हैं तो सरकार डर जाती है और वो फिलहाल एनडीए की बैसाखियों पर चल रही है और बीते 8 महीनों में मोदी सरकार 4 बार तो यूटर्न ले चुकी है। लेकिन और कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन विरोध को देखते हुए उस कानून को भी वापस लेना पड़ा है। तो 4-4 मामले वापस हो चुके हैं। अब ये जो एनडीए की सरकार है वो बैसाखियों में टिकी हुई है। आप देख रहे हैं कि पहले तो कहते थे नीतीश बाबू के डर से निर्णय बदलेंगे, नायडू के डर से निर्णय बदलेंगे। अरे वो तो छोड़ो, वो चिराग पासवान चमकाया तो उसमें बदल दिए, बता रहे हैं। और इधर छत्तीसगढ़ के एक और घोटाले को बीजेपी सरकार